सरपंच संघ झालावाड़ के आह्वान पर जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर कार्य का बहिष्कार किया गया। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने बताया कि जिले में 254 ग्राम पंचायतों के मुखिया लामबद्ध होकर अपनी अपनी ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला जड़कर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पहली मांग है कि पीजी खाते के आदेश को सरकार वापस ले। दूसरी मांग, राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग का 2 साल का 6,000 करोड़ का फंड पंचायतों के खातों में डाला जाए। झालावाड़ अध्यक्ष नेतृत्व में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। इस संबंध में सरपंच संघ के अध्यक्ष गौड़ के नेतृत्व में जिला परिषद के बाहर सरपंच संघ अध्यक्ष भवानी मंडी, हरमत सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष बकानी कमलेश पाटीदार, सरपंच संघ अध्यक्ष शालरा पाटन पालचंद पाटीदार, सरपंच संघ पदाधिकारी बलराम गुजर, घनश्याम गुजर, रोड़ीलाल लोधा, सरपंच महेंद्र गुजर, रोशन गुजर, इंद्र सिंह, रंजीत सिंह, भगवान सिंह, कालूलाल भील आदि सरपंचों ने जिला परिषद के बाहर नारेबाजी कर जिला परिषद के सीईओ रामजीवन मीणा के राज्य सरकार के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है।